लिए चलते हैं आपको हरियाणा के हिसार, जहां पर सेना के अलंकरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सिक्स डबल थ्री ईएमई बटालियन सम्मान के प्राप्तकर्ता हैं कर्नल अभिषेक और सुबेदार विश्वनाथ वेलिप। देवियों और सज्जनों, अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिण पश्चिमी कमान से अनुरोध करता हूं कि वे सम्मान प्राप्तकर्ताओं के लिए दो शब्द कहें। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 10 कोर जनरल नगेंद्र, डिविजनल कमांडर्स, मौजूद सबेरिया कमांडर, पुरस्कार विजेता और आपके परिवारजन, मौजूद पूर्व सैनिक, ऑफिसर्स, जेसीओज, बहादुर जवानों, एनसीसी के कैडेट्स, मीडिया के सदस्य, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर दक्षिण पश्चिमी कमान अलंकरण समारोह के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और मेरे लिए ये बेहद गर्व की बात है कि आज मुझे उन विशिष्ट व्यक्तियों की वीरता और कार्य कुशलता की सराहना करने का अवसर मिला है जिन्होंने अटूट साहस, कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की है। साथ ही साउथ वेस्टर्न कमांड की चुनिंदा यूनिट्स को उनके बेहतरीन काम और अव्वल दर्जे की प्रोफेशनलिज्म के लिए यूनिट एप्रिसिएशन से सम्मानित किए जाने पर मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और शाबाशी देता हूं। देवियों और सज्जनों, भारतीय सेना का रोल देश की सीमा सुरक्षा करने तक ही सीमित नहीं है। सेना मूल रूप से हमारे महान राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अहम सहयोग देती आई है और आगे भी देश निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देगी। भारतीय सेना एक सुरक्षा कवच की तरह अपने देश और नागरिकों को भारी खतरों से सुरक्षा देती है और देश के आर्थिक विकास तथा प्रगति के लिए एक स्थिर वातावरण यानी कि एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रदान करती है। आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने में भी हर प्रकार से हमारी देश की सेना सक्षम रही है, चाहे वो जम्मू और कश्मीर में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हों या नॉर्थ ईस्ट में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। इंडियन आर्मी का योगदान हमेशा सराहनीय व तारीफ के काबिल रहा है। साथ ही नेचुरल डिजास्टर्स से निपटने में सेना द्वारा किए गए राहत कार्यों ने पूरे देश के दूर दराज इलाकों में सैकड़ों लोगों की जान बचाई है, जिसके कारण हमारे नागरिकों को सही समय पर सहायता मिली। संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय सेना सुरक्षा सुनिश्चित और आंतरिक चुनौतियों का समाधान करने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान देने और सामाजिक मूल्यों को महत्व देते हुए राष्ट्र की तरक्की